अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिसबा नूर। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। आज के इस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखना है कि टू वैल्यूज़ को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 12 से। पेज नंबर 12 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट दिस वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है आपको? हॉरिजॉन्टल वैल्यूज दी गई हैं, आपने इसको वर्टिकली राइट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, देन चेक बाय एडिशन, और फिर चेक करना है एडिशन की मदद से। क्या करना है हमने? सबसे पहले इसको वर्टिकली राइट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने चेक करना है एडिशन की मदद से। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 6 7 3 8 1 -1 2 8 4 9। क्या करना है आपने? 3 6 7 3 8 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 8 4 9 में से। आपने सबसे पहले इसको वर्टिकली राइट करना है और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? राइट साइड से। राइट साइड पे यानी 1 से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, देन 10 100 1000 10000 एंड सो ऑन। सबसे पहले 1 से करेंगे, इसको वर्टिकली राइट करेंगे। राइट करने के बाद अपना राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 8 -9, 8 में से 9 माइनस नहीं होता। क्या करेंगे? 3 में से 1 कैरी लेंगे, 3 जो है हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 18 बन जाएगा। 18 -9, 9, 3 जो था 2 में, 2 -4, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, 1 कैरी लेंगे। 12 -4, 8, अब क्या पीछे 7 जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था हमारा? 6 में। 6 -8, 6 में से 8 माइनस नहीं होता। क्या करेंगे? नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 16 -8, 8, नेक्स्ट क्या बचा था? 5 5 -2, 3, 3 -1, 2। क्या आंसर आता है आपके पास? 23,889। क्या किया हमने? सबसे पहले इसको वर्टिकली राइट किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। हमारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है सब्ट्रैक्शन तक। अब हमने क्या करना है? उसको चेक करना है बाय एडिशन, एडिशन के साथ। एडिशन के साथ हम कैसे चेक कर सकते हैं? जो आपके पास आंसर आया है इस क्वेश्चन का, आपने उस वैल्यू को लेना है और जिस वैल्यू से हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो वैल्यू लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो आपके पास सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू है उसके मुताबिक वो आंसर अगर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अगर कोई मसला है या क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं आ रहा आपके उसकी वैल्यू से, तो आपके क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन में कोई मसला है, कोई वैल्यू आपने गलत एंटर कर दिया है या सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक हुई है आपसे, तो आपके क्वेश्चन सही नहीं है। तो सबसे पहले आपने उसको अच्छे से चेक करना है। चेक हम कैसे करेंगे? जो हमारे क्वेश्चन के आंसर आया है जो हमने सॉल्व किया सब्ट्रैक्शन के बाद, उस वैल्यू को लिखेंगे हम, प्लस करेंगे जो हमने जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, यानी सेकंड वैल्यू जो है हमारी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन की, अब उसमें हम ऐड करेंगे। 9 + 9 8 8 + 4 9 + 9 18, 18 का 8 नीचे लिखेंगे। यानी जब आपके पास टू डिजिट्स वैल्यू आती है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना होता है, आपकी जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो आप आंसर में लिखते हैं एंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को आप नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देते हैं। तो क्या करेंगे हम? राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 + 9 18, 18 का 8 नीचे लिखेंगे और 1 नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देंगे। 8 + 1 9 9 + 4 13, 13 का 3 नीचे, नेक्स्ट वैल्यू पे 1 कैरी। 8 + 8 16, 16 + 1 17, 17 का 7 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 3 + 2 5 5 + 1 6, 2 + 1 3। अब आपका आंसर क्या आया है? 36 7 3 8। क्या ये आंसर आपकी सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट वैल्यू से मैच करता है, उसके मुताबिक है, उसके इक्वल है? 36 7 3 8, जी। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्टली सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो? 2 5 6 7 0 4 -1 0 3 0 2 8
क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको वर्टिकली राइट करेंगे। राइट करने के बाद आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वर्टिकली राइट किया हमने, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 4 माइनस 8, 4 में से 8 माइनस नहीं होता। नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी 0 है, 0 से हम 1 कैरी नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, 0 पे पहले हम कैरी लेंगे 7 से। 7 से हमने 0 पे कैरी लिया, जो 0 था वो टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इस टेंस में से हमने 1 कैरी लेना है, यानी जो हमारा 10 था वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 4 है वो 14 में। 14 माइनस 8 6, 9 माइनस 2 7, जो यहाँ पे था 7 वो 6 में कन्वर्ट हो गया था। 6 माइनस 0 6। जब हम किसी वैल्यू को 0 से माइनस करते हैं, जो हम माइनस कर रहे होते हैं वैल्यू, वो एज इट इज नीचे आ जाती है। 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 1 1। आंसर क्या है आपके पास, 1 5 3 6 7 6। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एडिशन के साथ। जो हमारा आंसर आया हम वो लिखेंगे और हम अपनी सब्ट्रैक्शन की सेकंड वैल्यू को लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यानी 1 5 3 6 7 6 प्लस 1 0 3 0 2 8। राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 6 प्लस 8 14, 14 का 4 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 0 5। जब 0 में हम कोई चीज़ ऐड करते हैं या किसी वैल्यू में 0 ऐड करते हैं, जो हम चीज़ ऐड कर रहे होते हैं वो एज इट इज़ नीचे आती है। अगर हम 0 में कोई चीज़ ऐड करते हैं, 0 को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम वैल्यू वैसी ही आ जाती है हमारी जो हम लिखते हैं। 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 1 2। आंसर क्या है आपका, 2 5 6 7 0 4। क्या ये आपके क्वेश्चन के फर्स्ट वैल्यू के मुताबिक है आंसर? यस, तो आपका क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 2 00 031 189 764। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को। पहले हम वर्टिकली राइट करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट की है हमने। 1 माइनस 4, 1 में से 4 माइनस नहीं होता, 1 कैरी लेंगे। 11 माइनस 4 7, 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0। 0 हम फर्स्ट पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 2 00 031। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर में कोई मसला है या कोई बात समझ नहीं आती या इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छी तरह सुनना है, इसको समझना है। कोई बात समझ नहीं आती तो आपने ज़रूर पूछना है। और इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज भी आएगा। आप वो क्विज तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छे से सुने, इसको समझें और देन उस क्विज को सॉल्व करें। उस क्विज की टाइमिंग अगले दिन सुबह 9 बजे की है। तो स्टूडेंट, जब वो क्विज आए आपने अच्छे से देखना है और उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।